हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये स्कीम भारत के सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सरकारी स्कीम है जो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस स्कीम के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या वहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, प्री मैच्योर के विड्रॉवल्स के रूल्स क्या हैं, कितने साल की स्कीम होती है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी पर हमें कितना अमाउंट इस पर मिलता है, क्वार्टरली कितना अमाउंट मिलता है, और भी बहुत कुछ इस स्कीम के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे जो आपको भरना होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और उसके साथ साथ हम अंत में इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 30 लाख रुपए अगर इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर हम देखते हैं सबसे पहले इस स्कीम की जो एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको। तो जो पहला पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि एन इंडिविजुअल में ओपन एन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद स्पाउस। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल अपना अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने स्पाउस के साथ, मतलब हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खुलवा सकता है, और अगर कोई वाइफ अकाउंट खुलवा रही है तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट इसमें जॉइंट खुलवा सकती है, और किसी भी फैमिली मेंबर के साथ आप इस स्कीम में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF ये लोग एलिजिबल नहीं हैं इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है एन इंडिविजुअल हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव। ये कॉमन बात है जो आपको पता भी होगी कि 60 साल के उम्र के बाद ही सीनियर सिटीजन बनते हैं लोग, और उसके बाद ही इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल होते हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो उसमें लिखा हुआ है कि ये एक स्पेशल केस है। अगर आप गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय थे और आपने 55 साल की उम्र में ही वर्चुअल रिटायरमेंट ले लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए। और उससे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि द रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज अटेंडिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स, मतलब जो डिफेंस में अगर आप थे तो आपने अगर 50 साल की उम्र अपनी पूरी कर ली है तो भी आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए। अभी ये तो एलिजिबिलिटी हो गई, अब हम देखते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको इसमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। तो पहला जो यहाँ पर फीचर है उसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, और ये हमारी जो भी डिफेक्ट फॉर्म है ये जो लिमिट है वो 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पर बढ़ाई गई थी, जो कि पहले 15 लाख रुपए हुआ करती थी। ये एक अकाउंट की, जो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया जाता है उसकी लिमिट है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है द डिपॉजिटर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 3 साल का आपको इसमें एक्सटेंशन मिलता है। 5 साल के लिए जो इनिशियल ड्यूरेशन होती है इस स्कीम की वो होती है। उसके अगले पॉइंट में लिखा हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, उसके बारे में कि यहाँ पर 8.2% का आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, और ये भी इन्होंने जो इफेक्टिव है वो 1 अप्रैल 2023 से ही लिखा हुआ है। लास्ट क्वार्टर का यानी इन्होंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है जो कि जुलाई में, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ भी नहीं था, जो 8.2 अप्रैल में था वही आगे यहाँ पर भी है। बात करें अगले पॉइंट की तो इसमें लिखा है बोथ द स्पाउस कैन ओपन सिंगल अकाउंट एंड जॉइंट अकाउंट विद ईच अदर, मतलब पति पत्नी अपना अलग अलग अकाउंट भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। बात करें अगले पॉइंट की तो इसमें लिखा है द डिपॉजिटर मे नॉमिनेट ए पर्सन और मोर देन 1 पर्सन। नॉमिनी की यहाँ पर बात हुई है कि आप एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन मेड बाय द डिपॉजिटर कैन बी कैंसिल्ड और वराइड, मतलब आप उसको किसी भी समय अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अगले पॉइंट में है द डिपॉजिट मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट शैल बी पेड ऑन
और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स वेयर द अकाउंट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। मतलब आपने एक बार अकाउंट खुलवा लिया तो उसके 5 साल के बाद आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली यहाँ पर मिलता रहेगा। और भी इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देखते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है, इफ़ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एनी एडिशनल इंटरेस्ट। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर थोड़ा समझना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कहना यहाँ पर ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपने अपने जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है वो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये मिलता है एक क्वार्टर का आपको रिसीव हुआ और वो आपने क्लेम नहीं किया। क्लेम नहीं करने का मतलब वो आपके जो डिपॉजिट है जो आपका सेविंग अकाउंट है उसी में ये रखा हुआ है। तो जब तक आप या तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इस पैसे पर आपको सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो वरी करता है सिटी टू सिटी। मान लीजिए वो 3% आपको मिल रहा है नॉर्मल आपके पैसे पर, वो आपको इस 1,000 रुपये पर नहीं मिलेगा। ये इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि या तो आप इसको यूज़ कर लीजिए वरना इस पैसे पर आपको सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो उसमें लिखा है, द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रिबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। मतलब अगर एक जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है तो सारा पैसा जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसके नाम से ही डिपॉजिट होगा। एक यहाँ पर ये पॉइंट भी है, मल्टीपल विड्रॉवल्स फ्रॉम एन अकाउंट सेल नोट बी परमिटेड। मल्टीपल विड्रॉवल्स मतलब अगर आपने 1,00,000 रुपये इसमें डिपॉजिट करवाई तो ऐसा नहीं है कि आप 20,000-25,000 कभी भी निकलवा सकते हैं, इस चीज़ की आपको यहाँ पर सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर फीचर्स। अगला हम देखते हैं इस स्कीम के बारे में, वो जो हम देखेंगे प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट इसमें लिखा है, प्री मैच्योर पेमेंट परमिटेड एट एनी टाइम आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट बट विद पेनल्टी। मतलब प्री मैच्योर आप करवा सकते हैं लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है इस स्कीम के जो फीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी है और प्री मैच्योर के जो अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजर के जो रूल्स हैं उनके बारे में। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि अगर आप इस स्कीम में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 और 30,00,000 रुपये अगर निवेश करते हैं तो आपको कितना यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा और कितना आपका टोटल अमाउंट बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 1,00,000 रुपये इस स्कीम में निवेश करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना रुपये का इंटरेस्ट मिलता है और कितना रुपये हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। तो देखिए अगर हमने 1,00,000 रुपये निवेश किए तो हमारा मैच्योरिटी का जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनेगा 1,41,000 रुपये। 41,000 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिलेगा और 2,050 रुपये हमें क्वार्टरली रिसीव होते रहेंगे। आगे हम देखते हैं 1,00,000 रुपये का हो गया, अब हम देखते हैं 2,00,000 रुपये अगर हम इसमें निवेश करेंगे तो हमें कितना यहाँ पर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो बनेगा। तो 2,00,000 रुपये अगर हम निवेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो बनता है 2,82,000 रुपये। 82,000 रुपये का इंटरेस्ट और 4,100 रुपये हमें क्वार्टरली रिसीव होते रहेंगे हमारे अकाउंट में। अगला हम यहाँ पर देखेंगे 5,00,000 रुपये का। अगर 5,00,000 रुपये मान लीजिए आपने इस स्कीम में निवेश किए 5 साल के लिए तो आपको कितने रुपये क्वार्टरली मिलेंगे और कितने रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। तो ये देखिए 7,05,000 रुपये हमारा टोटल अमाउंट बनेगा, 2,05,000 रुपये का निवेश जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10,250 रुपये क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में आपको अपने सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन को 10,00,000 रुपये करके कि हमें यहाँ पर कितना यहाँ अमाउंट यहाँ पर बनेगा। ये 1,00,000 रुपये हो गया, हम इसको 10,00,000 रुपये कर देते हैं। 10,00,000 रुपये अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर बन जाएगा 14,10,000 रुपये, जिसमें 4,10,000 रुपये का इंटरेस्ट है और 20,500 रुपये आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे अगर 10,00,000 रुपये आप इसमें एक साथ निवेश करते हैं तो। अब हम बात करते हैं 30,00,000 रुपये की। इस स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30,00,000 रुपये
वो मैं आपको बताना भी भूल गया था, और मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 1,000 रुपये। 30 लाख रुपये अगर हम इसमें निवेश करते हैं 5 साल के टेन्योर के लिए और 8.2% का इसमें इंटरेस्ट रेट है, तो जो टोटल हमारा मैच्योरिटी का अमाउंट यहाँ पर देखिए ये बनता है 42,30,000 रुपये। 12,30,000 का यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा और 61,500 रुपये हर तीसरे महीने आपके सेविंग अकाउंट में आते रहेंगे। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा जिसका लिंक या PDF में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये फॉर्म है सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाने के लिए। इस फॉर्म को आप यहीं पर डाउनलोड करके हमारे डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं, ताकि बैंक में आपको घर से ही फिल करके भी ले जा सकते हैं, ताकि बैंक में आपका टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ पर आपका टाइम बच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके फीचर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, जो प्री मैच्योर विड्रॉल्स के रूल्स हैं उनके बारे में। उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा और क्वार्टरली आपको कितना इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में रिसीव होता रहेगा। आई होप दोस्तों बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिनोटेक को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।